नमस्कार, मैं हूं प्रसाद और आपको स्वागत करता हूं इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक में। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी कल क्या होने वाला है उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। डेली कैंडल चार्ट के हिसाब से अगर देखेंगे तो मार्केट ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस लेवल पे है और यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरह एक कुछ बना रहा है। अगर मैं ट्रेंड लाइंस ड्रॉ कर दूं जो जनरली मैं यूज़ करता हूं, तो ऑलरेडी ये ट्रेंड लाइन दिखा रहा है कि प्राइस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ चुका है, लेकिन कंटिन्यूसली प्राइस में एक रैली होने के कारण मार्केट यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव 2 दिन के लिए देखने के लिए मिला। फिर भी मार्केट में ट्रेंड खत्म नहीं हुआ, अभी भी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है जो RSI हमको दिखा रहा है कि 60 के ऊपर है, तो यहाँ पे हम और भी स्ट्रॉन्ग मार्केट रहने का चांसेस है। तो अगर मार्केट में गिरावट देखने के लिए 1-2 दिन के अंदर नहीं मिलता तो ये ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। मार्केट ऐसे रुका हुआ है रेजिस्टेंस लेवल पे जैसे कि कुछ न्यूज़ का इंतज़ार कर रहा हो। क्रोसर लेवल है, यहाँ से ट्रेंडिंग मार्केट दोनों साइड में मिल सकता है। अगर देखा जाए आवरली कैंडल चार्ट में तो राइजिंग वेज, और अगर पिछले कुछ दिनों के ट्रेंड में मैंने ये लाल रेखाएं यहाँ पे डाला हुआ है जहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे होगे कि यहाँ पे एक फॉलिंग वेज या फॉलिंग चैनल बन रहा था, उसको तोड़ते हुए कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। तो हर रोज गैप अप ओपनिंग और उसके साथ डाउनफॉल देखने के लिए कुछ दिनों से मिल रहा है मार्केट में, और कंटिन्यूअसली ये चल कब से रहा है, ये चल रहा है तकरीबन 14 फरवरी से कंटिन्यूअसली, सॉरी अक्टूबर अक्टूबर 14 से कंटिन्यूअसली ये कंटिन्यूअसली ऐसे होते जा रहा है। मार्केट पॉजिटिव खोल रहा है और नेगेटिव की तरफ चल रहा है। 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो फिर से वही मार्केट में एक फॉलिंग वेज बना था और वहाँ से फिर से ब्रेकआउट दिया है, तो आने वाले समय मतलब कल फिर से मार्केट गैप अप ओपनिंग में चल सकता है। मार्केट यहाँ से थोड़ा पॉजिटिव जा सकता है या फिर हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग, फिर भी मार्केट पॉजिटिव दिशा में ही इंडिकेट कर रहा है। जब तक ये राइजिंग वेज को ब्रेक नहीं करता नीचे के साइड में, तब तक हम पॉजिटिव साइड में ही सोचेंगे। ट्रेंड लाइन के हिसाब से 17,700 जब तक नहीं तोड़ता मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड बरकरार रहेगा। बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो टोटल सेफ अगर देखें तो इन्वर्टेड कॉप एंड हैंडल पैटर्न जैसे बन रहा है और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल पर आकर प्राइस थोड़ा सा हल्का सा नीचे गया है। मार्केट यहाँ से अगर बैंक निफ्टी पॉजिटिव ट्रेंड में चला जाए तो आपको बहुत बड़े लेवल्स पॉजिटिव में देखने के लिए मिल सकता है। काफ़ी कुछ दिनों से लगभग सितंबर 22 सितंबर 29 से कंटिन्यूअसली बैंक निफ्टी में रैली देखने के लिए मिला है, यहाँ पर भी एक राइजिंग वेज बन रहा है। मैं ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करवा देता हूँ तो आपको क्लैरिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे रिसेंटली देख सकते हैं ये कंटिन्यूअसली एक रैली है और राइजिंग वेज जैसा कुछ पैटर्न बना रहा है। आवरली कैंडल चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर भी गैप अप ओपनिंग और नेगेटिव क्लोजिंग की तरफ जा रहा है, नेगेटिव क्लोजिंग हुआ है। फिर भी यहाँ पे भी अपेक्षा है अगर 4200 मार्केट तोड़ देता है निफ्टी बैंक निफ्टी तो यहाँ पे भी बहुत तेजी देखने के लिए मिल सकता है। डेली कैंडल चार्ट ऑलरेडी पॉजिटिव ट्रेंड दर्शा रहा है, लेकिन आवरली कैंडल चार्ट थोड़ा सहमा हुआ है, हल्का सा रिट्रेस हुआ है। तो बैंक निफ्टी में मुझे नहीं लगता कल कुछ हलचल देखने के लिए मिलेगा, लेकिन निफ्टी में हो सकता है गैप अप ओपनिंग मिले। हाँ, बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो RSI को वॉच कीजिएगा। RSI अगर ब्रेकआउट देता है 60-70 की तरफ जाता है तभी जाके आप एंटर कर सकते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ डेली कैंडल चार्ट के हिसाब से ये सारे रेजिस्टेंस लेवल पे है। यहाँ पर मार्केट निफ्टी हो गया या बैंक निफ्टी हो गया अगर रेजिस्टेंस तोड़ देता है तो रॉकेट बन सकता है, नहीं यहाँ से वापस आएगा तो उसी तरीके से गिरेगा। तो दोनों साइड में अभी आपको बहुत ही बड़ा रैली देखने के लिए मिल सकता है। तो कल के मार्केट के ओपनिंग के ऊपर डिपेंड करता है कैसे क्या हो सकता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी मुझे आने वाले समय में मतलब नवंबर दिसंबर में पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं डेली कैंडल और वीकली कैंडल चार्ट के हिसाब से, लेकिन हो सकता है नवंबर के पहले वीक में ये यहाँ पे कुछ रिट्रेस हो या इसी जगह पर कुछ अप एंड डाउन देखने के लिए मिल सकता है। तो आने वाला सप्ताह आने वाला वीक आपको बताएगा कि मार्केट किस दिशा जा सकता है। तो अगर कोई पोजीशन बनाया है, पुट के पोजीशन में पैसा बनना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कॉल के पोजीशन में चांसेस लग रहे हैं थोड़ा पैसा बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक।